वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त के निकल के सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 बड़ी घोषणाएं की हैं युवाओं के लिए एक साल पूरे होने पर। जी हां, एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 16 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें युवाओं से लेकर बच्चों तक जो है सबको लाभ मिलेगा। चलिए बात करते हैं, जो सबसे पहले बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है वो राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं परीक्षार्थी परिवहन योजना शुरू की जाएगी। यानी कि राज्य में आप देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल योजना है। इस योजना के तहत परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को आने जाने के लिए परिवहन विभाग की बसों में किराए में 50% की यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर है, इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में बताएगी मुझे। हालांकि आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं सभी में जो है 100% छूट दिए, लेकिन अब आप इधर उधर जाएंगे और आई थिंक एक एमएसटी कार्ड की तरह होगा जिसको आपको दिखाना होगा। उसके अलावा कक्षा 6 ही, जी हां, कक्षा 6 से ही कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा को लागू किया जाएगा। यानी कि आईटी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हो सकता है कुछ और भी यहाँ पर एक्टिवनेस आपको दिखाई दे। हालांकि उत्तराखंड में ही जो है एजुकेशन के नाम पर जो है कई घपले हुए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हालांकि डिटेल में एक वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। बात करते हैं आगे, राज्य के सभी 13 जनपदों में लैब ऑन व्हील्स चलती फिरती प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। उसके अलावा उत्तराखंड राज्य साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके अलावा आप भी देख सकते हैं और भी यहां पर और भी, साथ ही राज्य सरकार इस क्षेत्र में शीघ्र साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी लाएगी। हल्द्वानी के गोलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को उच्च स्तरीय बनाया जाएगा। उसके अलावा राज्य में काश्तकारों के सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री अधिग्रहण योजना स्थापित होगी। उसके अलावा पशुपालकों के को सहयोग देने के मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन यहां पर होगा। उसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी, इसमें स्नातक पास छात्र एवं छात्राओं को आवश्यक रूप से दक्ष बनाया जाएगा। उसके अलावा और भी यहां पर आप देख सकते हैं तमाम योजनाएं हैं। उसके अलावा यहां पर एक और हम यहां पर बात करेंगे, जिला सेवायोजन एवं कौशल विकास के स्वरोजगार केंद्र के नोडल कार्यक्रम स्थापित होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तमाम यहां पर और भी चीज़ें जो है 16 तमाम अलग अलग प्रकार की घोषणाएँ की हैं सरकार के एक साल स्थापित होने पर। बाकी इन खबरों पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।